प्रिय विद्यार्थियों, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय अलवर में आपका स्वागत है। बीएससी भाग तृतीय की कक्षा में मैं डॉक्टर वी एन पांडे द्वितीय प्रश्न पत्र इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। इसमें हम लोग बायो जियो केमिकल साइकिल्स के बारे में पढ़ रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे फॉस्फोरस साइकिल के बारे में। बच्चों, फॉस्फोरस बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। ये फॉस्फेट के रूप में, जैसा कि आप जानते हैं, डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स को, नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ने के लिए, आरएनए में नाइट्रोजन बेसेस को जोड़ने के लिए फॉस्फेट शुगर बेस बैकबोन होती है। तो ये न्यूक्लिक अम्ल का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है फॉस्फोरस फॉस्फेट के रूप में। इसी प्रकार फॉस्फोलिपिड के रूप में ये प्लाज्मा झिल्लियों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड के रूप में पाया जाता है। और तीसरा इसका महत्वपूर्ण भाग ये है कि ये एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रह करने वाले कंपाउंड के रूप में सभी जीवधारियों में पाया जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल के कंस्टिट्यूएंट के रूप में, प्लाज्मा झिल्ली के कंस्टिट्यूएंट के रूप में और हाई एनर्जी कंपाउंड्स के रूप में, तीनों रूपों में ये सभी छोटे से बड़े जीवों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मनुष्य की बात करें और वर्टिब्रेट्स की बात करें तो बोन और टीथ में ये बहुतायत से पाया जाता है। बोन फॉर्मेशन में और टीथ के निर्माण में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मनुष्य के शरीर का जितना फॉस्फेट है उसका लगभग 80% भाग बोन और टीथ में ही पाया जाता है। फॉस्फोरस साइकिल की बात करें तो ये एक सेडिमेंट्री साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें गैसीय अवस्था नहीं पाई जाती है। ये गैसीय अवस्था क्यों नहीं पाई जाती? क्योंकि जो पृथ्वी का वातावरण है, जो यहाँ का टेम्परेचर और प्रेशर है, इस टेम्परेचर और प्रेशर पर जो फॉस्फोरस है ये गैसीय रूप नहीं बना सकता है। ये सॉलिड रूपों में ही पाया जाता है। तो इस तरह की साइकिल जिसमें गैसीय अवस्था नहीं पाई जाती है, ऐसी साइकिल को सेडिमेंटरी साइकिल कहते हैं और फॉस्फोरस साइकिल उन्हीं में से एक सेडिमेंटरी साइकिल है। अगर वातावरण में देखें तो वातावरण में, वायुमंडल में फॉस्फोरस की मात्रा नगण्य है, नहीं पाई जाती है। कुछ हो सकता है फॉस्फोरिक अम्ल बहुत ही न्यून मात्रा में पाया जाता हो और जब बरसात होती हो तो उसमें फॉस्फोरिक एसिड के रूप में ये एसिड रेन में भाग लेता हो, लेकिन ये नगण्य है, ये इनसिग्निफिकेंट है, बिल्कुल ही महत्वहीन है। मुख्य रूप से ये रॉक्स में पाया जाता है, चट्टानों में पाया जाता है, जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स या सेडिमेंट्री चट्टाने कहते हैं। तो इन्हीं चट्टानों से ही फॉस्फोरस साइकिल प्रारंभ होता है। जब बरसात होती है, रेनफॉल होता है, तो उन चट्टानों से वेदरिंग के द्वारा घिस घिस करके फॉस्फेट निकलता है। अब ये फॉस्फेट जो निकला है, या तो ये पानी में चला जाएगा या ये मिट्टी में, सॉइल में चला जाएगा। जो सॉइल में गया है वहाँ से फॉस्फेट आयन को पौधे प्राप्त करते हैं, प्लांट्स लेते हैं, अपनी जड़ों के द्वारा उसका फॉस्फेट्स का अवशोषण कर लेते हैं और इस तरह से ये जैविक तंत्र में फॉस्फेट प्रवेश करता है थ्रू द प्लांट्स, पौधों के द्वारा। यहाँ से ये फूड चेन में होता हुआ एनिमल्स में पहुँचता है, पौधों को खाते हैं एनिमल और इस तरह से ये फॉस्फेट एनिमल्स में पहुँचता है और वहाँ भी जो मैंने ऊपर काम बताया वो विभिन्न उपयोगों में आता है। चाहे पौधे का फॉस्फेट हो या जंतु का फॉस्फेट हो, इनके शरीर में जो भी फॉस्फेट पाया जा रहा है, ये फॉस्फेट या तो एक्सक्रीशन के द्वारा या यूरिन के रूप में या फीकल मटेरियल मल के रूप में ये पुनः सॉइल में ही पहुंच जाता है, अथवा प्लांट या एनिमल की डेथ के बाद ये फिर
फिर से सॉइल में ही पहुंचना है। तो ये एक साइकिल इसकी पूरी हुई, सॉइल से शुरू हो करके और एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स से होता हुआ फिर सॉइल में पहुंच गया, ये एक साइकिल। दूसरी स्थिति यही हो सकती है कि जलीय तंत्र में, जो जलीय जल में फॉस्फेट पाया जा रहा है, वास्तव में फॉस्फोरस जल में घुलनशील नहीं है, तो जल का फॉस्फेट भी जलीय पादपों के द्वारा, उनकी रूट्स के द्वारा ग्रहण किया जाता है और वहाँ से एक्वेटिक फूड चेन अर्थात जलीय जंतुओं द्वारा जलीय पादप को खाया जाता है और फिर वही श्रृंखला उनके डेथ के बाद डीकम्पोज होकर के फिर वापस सॉइल में, मिट्टी में पहुँच गया। तो ये चाहे जलीय तंत्र हो, चाहे स्थलीय तंत्र हो, चाहे एक्वेटिक हो, चाहे टेरेस्ट्रियल हो, इस तरह से प्लांट से, एनिमल से होता हुआ वापस सॉइल में या वाटर में ये फास्फोरस पहुंच जाता है। फास्फोरस की विशेषता ये है कि ये जल में घुलनशील नहीं है, ये सॉइल के साथ ही जुड़ा हुआ रहता है, टाइटली जुड़ा हुआ रहता है, ये सॉइल के साथ टाइटली जुड़ा हुआ रहता है और सॉइल के साथ ही जहाँ जहाँ पानी मिट्टी को बहा के ले जाती है वहाँ पहुँचता रहता है। एक तरीका और हो सकता है कि खाद के रूप में, फर्टिलाइजर का उपयोग के रूप में फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है फसलों में, वहाँ से भी मिट्टी में पहुँचता है, मिट्टी से पानी के द्वारा छन छन करके, वेदरिंग हो करके ये फिर सॉइल में ही पहुँचेगा या सीवेज के द्वारा या सीपेज के द्वारा या इंडस्ट्रीज में हुआ हो रहा है उपयोग तो इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा, ये सभी अंत में पानी में पहुंचता है और वहां से बहता हुआ अंत में ये समुद्र में पहुंच जाता है या झील में पहुंच जाता है। अब जब ये समुद्र में या झील में पहुंच जाता है वहां ये नीचे बैठ जाता है, सेटल हो जाता है। जब उसमें तेज़ लहरें आती हैं, वो जल हिलता है, तो ये फिर से पानी में पहुंच जाता है और पानी से होता हुआ जंतुओं में पहुंच सकता है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि ये चट्टानों के रूप में ही जमा होता रहे समुद्र के नीचे या सॉइल के नीचे चट्टानों के रूप में जमा होता रहे और वो चट्टानें फिर वेदरिंग के द्वारा उसमें से फॉस्फेट निकले, फिर से प्लांट्स और एनिमल्स में जाए। तो यही क्रिया चलती रहती है, चट्टानों से जल में मिट्टी में, जल से मिट्टी से वापस पौधों में, जंतुओं में, वहाँ से फिर से जल या और मिट्टी में या फिर चट्टानों में। यहाँ आप एक डायग्राम देखेंगे, ये डायग्राम आप देखेंगे, ये मैंने आपके लिए पोस्ट किया हुआ है। यहाँ देखेंगे कि रेनफॉल दिखाया जा रहा है जो चट्टानों पर बरस रहा है पानी और वहाँ से फॉस्फेट दो दिशाओं में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो ये पानी में पहुँच गया और नीचे पानी के नीचे सेटल हो गया, दाहिनी तरफ आप देखेंगे, और सेटल हुआ बहुत ज़्यादा धीरे धीरे, यही सेटल होते हुए अंत में चट्टानों के रूप में ऊपर आप देखेंगे एरो मार्क लगा हुआ है, चट्टानों के रूप में इकट्ठा हो गया, बरसात हुई और फिर इस तरह से ये एक श्रृंखला तो चलती रही। ये एबायोटिक श्रृंखला है, इसमें जीवधारी नहीं आ रहे हैं, बरसात हुई समुद्र में गया, फिर चट्टान बना, फिर बरसात हुई, फिर बाकर के समुद्र में गया, ये चलती रही। दूसरी श्रृंखला आप दूसरी तरफ लेफ्ट साइड की तरफ देखेंगे तो ये फॉस्फोरस जो है फॉस्फोरस रिजर्वायर के रूप में सॉइल में पहुँचा, वहाँ से पौधों ने लिया, पौधों से जंतु में पहुँचा, उसके बाद डीकम्पोज हुआ और डीकम्पोज होकर के फिर सॉइल में पहुंचा और इस सॉइल से या तो फिर से पौधे ले लेंगे या वापस ये समुद्र में पहुंच जाएगा जहां चट्टान बनाएगा। तो ये आप ये देख सकते हैं, रेनफॉल से शुरू होकर के इसकी दो श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं, एक एबायोटिक श्रृंखला जो कि बरसात चट्टान और समुद्र के बीच में रोटेट कर रही है और दूसरी श्रृंखला जो इधर दिखाई दे रही है अब आपके सामने है, इसमें सॉइल से प्लांट, एनिमल और फिर से सॉइल, ये श्रृंखला चल रही है। तो ये फॉस्फोरस की श्रृंखला है।
फास्फोरस के चक्र को मनुष्य भी प्रभावित करता है। जब रेन फॉरेस्ट को, वर्षा वनों को काट दिया जाता है तो इससे फास्फोरस का चक्र प्रभावित होता है। वास्तव में रेन फॉरेस्ट जहाँ पर होते हैं वहाँ रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की रिसाइकलिंग के द्वारा ही उनका काम चलता है, उनको पोषण मिलता है। वहाँ रिजर्व न्यूट्रिएंट्स नहीं होते क्योंकि बरसात के द्वारा न्यूट्रिएंट्स लगातार फ्लो करते रहते हैं। तो जब फॉरेस्ट काट दिया जाता है तो वहाँ जो भी रॉक्स में फास्फोरस है वो बड़ी तेज़ी से वाश आउट हो जाता है, धुल करके पानी की बरसात के साथ निकल जाता है और धीरे धीरे वहाँ की मिट्टी जो है उपजाऊ नहीं रह जाती। जब तक वहाँ पर वृक्ष रहते हैं वो मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं, अगर वहाँ से वृक्ष हटा दिया तो वो मिट्टी उपजाऊ नहीं रह जाती। दूसरा, जब हम फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, उस समय भी हम फास्फोरस साइकिल को प्रभावित करते हैं। जितना फर्टिलाइजर या फास्फोरस हम खेत में डालते हैं वो पूरा का पूरा पौधे उपयोग नहीं कर पाते हैं। जो अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर पड़ा हुआ है मिट्टी में है वो पानी के साथ बहता हुआ नदियों में पहुँच जाता है, नदियों में पहुँच सकता है, झीलों में पहुँच सकता है। और इसके बाद क्या होता है कि जब झील में बड़ी मात्रा में ये फास्फोरस पहुंच गया, वहाँ इसको पोल्यूटेंट के रूप में मानेंगे, प्रदूषक मानेंगे। वहाँ इसके प्रभाव में प्लैंकटॉन की ग्रोथ, बहुत सूक्ष्म पादप हैं, प्लैंकटॉन की ग्रोथ होने लगती है। वीड्स अर्थात अनुपयोगी खरपतवार, ये तेज़ी से बढ़ने लगते हैं और ये तेज़ी से बढ़ करके जल में घुली हुई सारी ऑक्सीजन का उपयोग कर डालते हैं। जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से जो जलीय जंतु हैं, मछली हैं या अन्य जलीय जंतु हैं, वो सांस नहीं ले पाते, उनको ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। तो इस तरह से जलीय जंतुओं पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा, ये जो वीडी प्लांट्स हैं, जो खरपतवार टाइप के जल में उगे हुए पौधे हैं, झील में उगे हुए पौधे हैं, ये सूर्य की रोशनी को भी रोक लेते हैं। पानी में नीचे सूर्य की रोशनी नहीं जाने देते, सनलाइट नहीं जाने देते, और इससे जो नीचे ऊपर उगने वाली प्लांट स्पीसीज हैं, जातियां हैं, उनको फोटोसिंथेसिस करने का अवसर या उनको ग्रो करने का अवसर नहीं मिलता। तो इस तरह से जल में अधिक फास्फोरस पहुंचने पर या झील के जल में या तालाब के जल में अधिक या नदी के जल में अधिक फास्फोरस पहुंच जाने से वहां दो प्रभाव उत्पन्न होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी वहाँ के जंतुओं के लिए और प्रकाश की कमी हो जाएगी वहाँ के पौधों के लिए। इस प्रक्रिया को यूट्रॉफिकेशन कहते हैं इस प्रक्रिया को। तो इस तरह से आप देखेंगे कि फास्फोरस यद्यपि अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये सिर्फ रॉक्स में ही पाया जाता है, किंतु मनुष्य के द्वारा इसके चक्र को प्रभावित किया जाता है, जो प्रकृति को कई बार नकारात्मक रूप से भी प्रभाव डालता है। थैंक यू बच्चों।